नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका इस लेसन में, जिसमें कि आज हम कंप्लीट करेंगे चालकोलिथिक पीरियड, जो कि आपको पीछे हेडिंग दिख रही होगी, जिसको कि हिंदी में ताम्रपाषाण काल या फिर ताम्रपाषाण युग भी कहते हैं। इस युग की शुरुआत जो होती है, ये नवपाषाण काल के बाद होती है। नवपाषाण काल जब खत्म होता है, उसके बाद का जो युग, उसके बाद का जो पीरियड कहलाता है, वो चालकोलिथिक पीरियड या फिर ताम्रपाषाण युग उसको कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। आज हम इस ही पूरे पर्टिकुलर पीरियड के बारे में हम चर्चा करेंगे, इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो इस लेक्चर को पूरा कंप्लीट देखिएगा। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि सिविल सर्विसेज या फिर अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें कि एशियंट हिस्ट्री या फिर हिस्ट्री के कंटेंट को पूछा जाता है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंटेंट ये आपको साबित होने वाला है। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। एक एक पॉइंट्स में आपको यहाँ पर चालकोलिथिक पीरियड के बारे में जानकारी दूंगा कि इस पीरियड के दौरान की जो कल्चर था, जो संस्कृति थी, वो कैसी थी और इसमें किस तरीके के उपकरण और औजार का उपयोग किया गया था, और साथ ही साथ में इस समय किस तरीके की जो मानव संस्कृति थी वो कैसे आगे बढ़ी और किस तरीके का ये पूरा पैटर्न फॉलो करते थे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ जो विद्यार्थी पहली बार मेरी इस क्लास में आए हैं, वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, स्टडी कॉन्सेप्ट को। साथ ही साथ आप बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि आप एक भी वीडियो, मेरे जो लेक्चर है वो कंप्लीट मिस नहीं कर पाएंगे और आप पूरा का पूरा कंप्लीट ये लेसन प्लान देख पाएंगे, जिससे कि आप अपनी स्टडी को और ज्यादा कंफर्ट महसूस करें, आप अपनी स्टडी को और ज्यादा मजबूत कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर, जिसमें कि मैं चालकोलिथिक पीरियड ताम्रपाषाण युग के बारे में जानकारी देने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। ताम्रपाषाण युग, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, ताम्रपाषाण युग या फिर ताम्रपाषाण जो संस्कृति है, जिसको कि चालकोलिथिक कल्चर भी कहा जाता है, इसकी जो शुरुआत होती है, यह नवपाषाण, ठीक है, इसको कि नियोलिथिक एज भी कहा जाता है, नियोलिथिक पीरियड भी कहा जाता है, नवपाषाण युग के बाद में इस संस्कृति का, इस कल्चर का, इस पीरियड की शुरुआत होती है। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ताम्रपाषाण पूछा जाता है कि ताम्रपाषाण संस्कृति की शुरुआत किस युग के बाद होती है, ये होती है ताम्रपाषाण। नोट करते जाइएगा, अगर आपके पास में नोट पैड है, ताम्र पाषाण युग की शुरुआत या फिर पीरियड की शुरुआत, इसको कि चालकोलिथिक पीरियड भी कहा जाता है, ताम्र पाषाण युग की शुरुआत जो होती है, ठीक है ना, युग की शुरुआत नवपाषाण काल के बाद होती है। कई जगह पर, कई किताबों में नवपाषाण काल को भी चालकोलिथिक पीरियड के समय का ही माना गया है। तो ये समझ लो कि दोनों का जो पीरियड था, ये कहीं ना कहीं पे एक दूसरे के साथ में मेल खाता है, एक मीडियम का माध्यम बना है, जिसमें कि नवपाषाण काल में भी ताम्रपाषाण को भी लिया गया है। तो ताम्रपाषाण एक्चुअल में जो शुरुआत होती है, वो नवपाषाण के बाद ही इसको पूरे व्यापक रूप से ये आगे बढ़ा है। नवपाषाण काल के चलते चलते ताम्रपाषाण युग की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन व्यापक रूप से, जो कि पूरी तरीके से कंप्लीट अगर देखा जाए, तो नवपाषाण काल नियोलिथिक पीरियड के बाद ही नवपाषाण पीरियड को माना गया है। तो क्या है इसमें, नवपाषाण, ठीक है ना, नवपाषाण काल के बाद ही ताम्रपाषाण काल की या फिर ताम्रपाषाण संस्कृति की शुरुआत को माना गया। तो ताम्रपाषाण युग की शुरुआत नवपाषाण जो युग है या फिर जो काल है, काल के बाद की मानी जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप एक के बाद में एक सारे पीरियड एक ऑर्डर में आप याद कर पाए। इससे पहले वाला जो वीडियो मैंने आपको पूरा लेक्चर कंप्लीट किया था, वो प्री हिस्टोरिक एरा के बारे में आपको पूरा जानकारी दी थी, एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको उसमें पूरा
बताया हुआ है कि जो प्री हिस्टोरिक एरा है उसकी शुरुआत कैसे हुई। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उस लेक्चर को भी आप पूरा कंप्लीट कीजिएगा, जिससे कि आपका ऑर्डर पूरा कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। तो आपको प्लेलिस्ट में वो जो लेक्चर है वो आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताम्रपाषाण युग, या फिर इसको चालकोलिथिक पीरियड भी बोलते हैं अंग्रेजी में, इस संस्कृति को हम किस तरीके से जानते हैं, इस कल्चर को हम किस तरीके से इसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो है इस समय के उपयोग में आने वाले उपकरण या फिर औजार, ठीक है ना। यानी कि उस समय के जो उपकरण थे, उस समय का जो मानव था, वो किस तरीके से अपने जीवन शैली में तांबे का उपयोग, ताम्रपाषाण यानी कि तांबा और पत्थर दोनों का उपयोग करते हुए जो औजार, जो उपकरण, जो हथियार का निर्माण हुआ, वो युग कहलाता है ताम्रपाषाण। तो इस समय की जो संस्कृति है, इस संस्कृति में जो उपकरण, औजार और जो हथियार का निर्माण हुआ था, ठीक है ना, उस निर्माण में पत्थर के साथ साथ यानी कि स्टोन, ठीक है ना, स्टोन यानी कि पाषाण, पाषाण बोल लो, स्टोन बोल लो या फिर पत्थर बोल दो, तो पत्थर के साथ में तांबे का भी प्रयोग होना, इसी को ताम्रपाषाण संस्कृति या फिर चालकोलिथिक जो एज है, चालकोलिथिक जो पीरियड है, ठीक है ना, वो जो पीरियड है वो इस तरीके से इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इस तरीके से इसको हम याद रख सकते हैं, यानी कि तांबे का उपयोग इस काल में, इस पीरियड में ज्यादातर होने लगा था। तांबे से इस समय के लोग इस काल में परिचित हो गए थे, यानी कि तांबा इन्होंने पहचान लिया था। तो पत्थर के साथ साथ जो औजार बनाए जाते थे, जो उपकरण बनाए जाते थे, जो उस समय के हथियार बनाए जाते थे, उन हथियारों में पत्थर के साथ में तांबे का भी प्रयोग बहुत ही ज्यादा तरीके से, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में होने लगा था। तो क्या लिख सकते हैं अगला पॉइंट, अपन अगला पॉइंट लिख सकते हैं, इस काल में, करते जाइएगा, इस काल में पत्थर के साथ तांबे का बहुत अधिक मात्रा में उपयोग होने लगा, बहुत अधिक उपयोग होने लगा, उपयोग होने लगा था। क्लियर हो गया। ये ताम्रपाषाण युग है, यानी कि चालकोलिथिक पीरियड, इस संस्कृति को हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी किसमें होने लगा था, ये उपकरण बनाने में, उपकरण यानी कि जो समय के जो एपरेटस थे, जो कि उस समय की जो कृषि, क्योंकि कृषि की ये शुरुआत हो चुकी थी, वो नवपाषाण काल में हो चुकी थी, तो नवपाषाण के बाद में ही ताम्रपाषाण आता है, तो उस समय की जो एग्रीकल्चर की जो टेक्निक थी उसमें तांबे का उपयोग, यानी कि जो उपकरण, यानी कि जो उस समय की खुदाई के या फिर कृषि करने के जो उपकरण बनाए जाते थे या जो औजार बनाए जाते थे, वो औजार में तांबे के साथ साथ, पत्थर के साथ साथ तांबे का भी अधिक उपयोग होने लगा। साथ ही साथ में औजार, जो औजार उस समय की जीवन शैली में उपयोग होते थे, उस औजारों में भी तांबे का उपयोग होने लगा था। उस समय के जो हथियार बनाए जाते थे, ठीक है ना, जो जो कि उन हथियारों में भी तांबे का बहुत ज्यादा उपयोग होने लगा था। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो इसलिए इस समय को क्या कहा जाता है, इस समय को ही चालकोलिथिक पीरियड या फिर चालकोलिथिक एरा या फिर ताम्रपाषाण युग कहते हैं। तो क्या इस पीरियड को ताम्रपाषाण काल कहते हैं, इस कारण से इस एरा को, इस पीरियड को ताम्रपाषाण, क्योंकि इस समय पत्थर के साथ साथ में तांबे का अधिक उपयोग होने लगा था। यहां तक पॉइंट्स मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं। ताम्रपाषाण युग का जो अंत में, जब अंत हुआ, ठीक है ना, अंत में हम अगर देखा जाए तो धातुओं का प्रयोग यहां पर बढ़ने लगा था। ताम्रपाषाण यानी कि ताम्रपाषाण युग में अगर हम देखा जाए तो
नव पाषाण युग, यानी कि यहाँ पर हमने से पहले वाले पॉइंट्स में मैंने आपको बताया था कि नव पाषाण युग खत्म होते होते ताम्र पाषाण युग आया था। तो यानी कि नव पाषाण युग जैसे ही खत्म हुआ था, नियोलिथिक युग का अंत होते होते यहाँ पर धातु यानी कि मेटल का उपयोग बढ़ने लगा था। उस समय के जो लोग थे, उस समय के जो मनुष्य थे, मानव थे, वो धातुओं से परिचित हो गए थे। यानी कि सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो सबसे पहली धातु से जो परिचित हुए थे उस समय के मानव, वो हुए थे तांबे से, कॉपर से। वो उनकी अवेयरनेस जाग गई थी, तांबे को वो पहचानने लगे थे और तांबे का उपयोग से वो परिचित हो गए थे। यानी कि नवपाषाण के अंत होते होते धातु यहाँ पर मेटल का उपयोग उन्होंने बढ़ने लगा था। और सबसे पहले उस समय के जो मानव ने किसी धातु को पहचाना था तो वो धातु थी तांबा, कॉपर। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या होगा यहाँ पर, अगला पॉइंट नोट कीजिएगा। नव पाषाण के अंत में, नव पाषाण काल के यानी कि नियोलिथिक एज की एंडिंग के टाइम पर, नियोलिथिक एज की एंडिंग के समय में, अंत के काल में, नव पाषाण के खत्म होने के साथ साथ, ठीक है ना, या फिर अंत में, ठीक है ना, ये लिख सकते हैं, अंत लिख सकते हैं कि अंत में धातुओं यानी कि मेटल, ठीक है ना, धातुओं का उपयोग बढ़ने लगा। उपयोग बढ़ने लगा था। तो सबसे पहली जो धातु थी, सर्वप्रथम उस समय के मानव ने, उस समय के मानव ने या फिर सभ्यता ने जो धातु पहचानी थी वो थी तांबा। तांबे को, ठीक है ना, तांबे का प्रयोग सबसे पहले किया, क्या लिखते हैं, तांबे का प्रयोग किया। ठीक, तांबे का प्रयोग सबसे पहले किया, ठीक है। तो यहां पर तांबे का प्रयोग किस तरीके से किया, जो उस समय के नवपाषाण यानी कि न्यूलिथिक एज पत्थरों का उपयोग जब नवपाषाण काल में होने लगा था, तो पत्थरों के साथ साथ में तांबे का उपयोग यानी कि जो पत्थर के हथियार बनाए जाते थे उसकी जो कोटिंग की जाती थी, उसकी जो लेयर बनाई जाती थी, उसमें धार यानी कि क्योंकि मेटल हार्ड होता है, तो उसका उस समय के पत्थरों के साथ साथ में तांबे का प्रयोग, पत्थरों की लेयर, पत्थरों के ऊपर में तांबे का एक पूरा एक डाया बनाकर उसमें फिक्स करते थे, ठीक है ना। तो जिस संस्कृति में पत्थरों के साथ साथ तांबे का प्रयोग होने लगा उसको ताम्रपाषाण संस्कृति कहा है, ठीक है। पत्थरों के साथ साथ, पत्थरों के साथ साथ तांबे का प्रयोग, करने को चालकोलिथिक कल्चर या फिर ताम्रपाषाण संस्कृति कहते हैं। यही कल्चर जो कहलाया, यही कल्चर ताम्रपाषाण पीरियड या फिर युग या फिर चालकोलिथिक पीरियड कहा जाने लगा, ठीक है, इसी को कहते हैं। यहां तक पॉइंट्स मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गए, ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहां पर अगर हम देखा जाए तो टेक्निकल पॉइंट से जो ताम्रपाषाण युग है, यह जो उस समय की जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, जिसको कि हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर भारत की बात की जाए, यहाँ पे भारत की बात कर रहे हैं, अगर हम वर्ल्ड की बात की जाए तो पूरे वर्ल्ड में, विश्व में जो ताम्रपाषाण है
वो ताम्रपाषाण जो हड़प्पन कल्चर है भारत से उससे पहले आ गया। इतना पॉइंट याद रखिएगा, वर्ल्ड में जो कॉपर पीरियड था, कॉपर एरा था, जिसको कि चालकोलिथिक पीरियड भी कहा जाता है, ताम्रपाषाण युग वर्ल्ड में हड़प्पा सिविलाइजेशन से पहले आ गया था, ठीक है ना। लेकिन हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद में ही भारत में जो कांसे का युग है, सॉरी कॉपर का जो चलन है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। हड़प्पा सिविलाइजेशन में यहां पर कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज कल्चर, कांस्य कालीन संस्कृति यानी कि कांसे का उपयोग सबसे पहले मिलता है। समझने की कोशिश कीजिएगा मैं क्या पॉइंट आपको बता रहा हूं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भारत में कांसे का उपयोग तांबे से पहले होने लगा था। हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो एविडेंस मिले हैं, जो साक्ष्य मिले हैं, उस साक्ष्य में यह मालूम पड़ा है कि कांसे का उपयोग तांबे से पहले होने लगा था, और तांबे का जो चलन है वो हड़प्पा सिविलाइजेशन जो कि नियोलिथिक एज के बाद में जो चालकोलिथिक पीरियड आया और उसके बाद में हड़प्पा संस्कृति आई, तो हड़प्पा संस्कृति के बाद में तांबे का उपयोग ज्यादा होगा। तांबे की शुरुआत हो गई थी, लेकिन जिस तरीके से भारत में एविडेंस मिले हैं, जो साक्ष्य मिले हैं, उस साक्ष्य से ये मालूम पड़ता है उत्खनन के दौरान कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में कांस्य का उपयोग यानी कि ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज कल्चर सबसे पहले यहां पर आया था। उसके बाद में तांबे की संस्कृति यहां पर आगे बढ़ी थी, यानी कि तांबे का उपयोग हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद में वहां पर जो मानव रहे उन्होंने कांस्य का उपयोग सबसे अधिक किया, ठीक है। तो यहां पर ये देखा जाए तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ताम्रपाषाण युग हड़प्पा कालीन जो कांस्य कालीन संस्कृति है उससे पहले की है, लेकिन भारत की कहीं कहीं जगह पर हड़प्पा कालीन जो कांस्य संस्कृति पहले आती है और अधिकतर नवपाषाण युग की जो ताम्रपाषाण संस्कृति है वो बाद में आती है। ये इसका पॉइंट आप समझिए, ठीक है। तो यहां पर भारत में हड़प्पा की जो कांस्य संस्कृति है वो पहले आती है और अधिकतर ताम्रपाषाण युग की संस्कृति बाद में आती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इसको मैं यहां पर लिख भी देता हूं एक पॉइंट छोटा सा, ठीक है ना। भारत में बिल्कुल नोट कीजिएगा, भारत में हड़प्पा क्या है, हड़प्पा की जो कांस्य युगीन संस्कृति है वो पहले आती है। हड़प्पा की कांस्य युगीन संस्कृति पहले आती है, ठीक है, और अधिकतर जो ताम्रपाषाण युग की संस्कृति है वो बाद में आती है। बाद में देखने को मिलती है, पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। भारत में हड़प्पा का संस्कृति पहले आती है और ताम्रपाषाण युग संस्कृति बाद में देखने को मिलती है। ये भारत में जो चालकोलिथिक पीरियड है उसके बारे में साक्ष्य जब उत्खनन के दौरान जो एविडेंस प्राप्त हुए हैं उसमें ये जानकारी मिलती है। तो यहां तक पॉइंट्स मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो ताम्रपाषाण युग के जो लोग थे, अगर हम उस समय के मानव की बात करें, तो मैंने आपको बताया नियोलिथिक एज से पहले जब उससे ऊपर वाला जो एज था,
है ना, जिसको कि मीसोलिथिक एज कहा जाता है। हम प्रीहिस्टोरिक एरा को भी इसके साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि पुरापाषाण काल की कई चीजें हैं जो कि ताम्रपाषाण युग तक भी हमें के बारे में पॉइंट्स मैच करने पड़ेंगे, जिससे कि एक एक पॉइंट्स आपके क्लियर होंगे। तो अगर हम बात करें मीसोलिथिक एज, जिसको कि मध्य पाषाण काल कहा जाता है, तो मध्य पाषाण काल के मानव संस्कृति जो थी उस समय आर्किटेक्ट के साथ साथ वो पशुपालक भी हो गया। क्या हो गया था? पशुपालक भी हो गया था। तो वही कल्चर यहाँ पर आगे अगर हम बाकी बात की जाए, तो नियोलिथिक एज के बाद में जब चालकोलिथिक एज या चालकोलिथिक पीरियड ताम्रपाषाण युग जब आया, तो ताम्रपाषाण युग के लोग पशुपालन तो करते थे, क्योंकि आज के युग में भी पशुपालन चल रहा है ना। तो उस समय का जो मानव था, जो कि मीसोलिथिक एज में था, वो मीसोलिथिक एज का जो मानव था वो पशुपालन करते करते आगे बढ़ा, और आगे बढ़ते हुए न्यूलिथिक एज में आया। तो न्यूलिथिक एज में वो कृषि से यानी कि एग्रीकल्चर से वो अवेयरनेस आ चुकी थी, एग्रीकल्चर करना जान चुके थे। लेकिन उसके बाद में उस समय की जो टेक्नोलॉजी थी न्यूलिथिक एज में, वो सिर्फ पत्थरों पर आधारित थी, नुकीले पत्थर। और पत्थरों की जो टेक्नोलॉजी यानी कि अलग अलग पत्थरों का उपयोग न्यूलिथिक एज में होने लगा था, क्योंकि उससे पहले का जो पत्थर था, उस पत्थर में सिर्फ क्वार्ट्ज स्टोन का उपयोग होता था। लेकिन इसमें और भी कई पत्थरों को उन्होंने इन्वेंट कर लिया था, खोज लिया था, ठीक है ना, उनको खोज लिया था, उसकी डिस्कवरी कर ली थी। और डिस्कवरी करने के बाद में उससे नए नए हथियार उन्होंने इन्वेंट, नए नए औजार इन्वेंट कर लिए थे पत्थरों के साथ साथ। तो वो था अपना कब, वो था नवपाषाण काल, ठीक है ना, नवपाषाण काल यानी कि न्यूलिथिक एज में। लेकिन ताम्रपाषाण काल में यहाँ पर एग्रीकल्चर के साथ साथ में उन्होंने नया मेटल का उपयोग करना चालू कर दिया था। उस मेटल का उपयोग यहाँ पर कृषि में औजार बनाने में किया था। क्या कह सकते हैं यहाँ पे ताम्रपाषाण के लोग, ठीक है ना, अगला पॉइंट नोट कीजिएगा, ठीक है ना, ताम्रपाषाण के लोग, ताम्र पाषाण के लोग, ताम्रपाषाण के लोग पशुपालन और कृषि किया करते, ठीक है ना, क्योंकि कृषि जो आया था वो नियोलिथिक एज से ही चालू हो गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर औजारों को यहाँ पर विशेष रूप दिया गया, और एग्रीकल्चर में या फिर अन्य टेक्नोलॉजी में अपने जीवन को और बेहतर बनाने में उन्होंने इस तांबा जो धातु है इसका उपयोग किया। तो ताम्रपाषाण के लोग क्या पशुपालन भी करते थे, पशुपालन जो कि मीसोलिथिक एज से उसके साथ में आया था, पशु पालक थे, पशुपालन और कृषि खेती एग्रीकल्चर कृषि किया करते थे। क्लियर हो गया, कृषि किया करते थे, ठीक है, कृषि किया करते थे। तो जो कि कहां से आया था, मीसोलिथिक एज, उसके बाद में नियोलिथिक एज, फिर ये चालकोलिथिक पीरियड। तो ये लगातार जो जो उन्होंने एडॉप्ट किया, हाँ उस समय आखिर तक यानी कि शिकारी भी होते थे वो, लेकिन शिकार करना उन्होंने कम कर दिया था, क्योंकि जो जीवन यापन यानी कि जो अपने पेट भरने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती थी, उसमें काफी ज्यादा यहाँ पर परिवर्तन आ गया था। शिकार के साथ साथ वो पशुपालक भी हो गए थे, यानी कि पशुपालन और उससे जो दुग्ध प्रोडक्ट यानी कि जो मिल्क प्रोडक्ट थे वो बनाने लग गए थे, तो उससे भी उनका जीवन यापन चल रहा था। उसके बाद में उन्होंने एग्रीकल्चर यानी कि कृषि का भी यहाँ पर आविष्कार किया, कृषि भी यहाँ पर करना चालू कर दी थी। धीमे धीमे करके अपनी संस्कृति में यहाँ पर काफी ज्यादा इन्होंने परिवर्तन किया और एडवांस होते चले गए, ठीक है, प्रीहिस्टोरिक एरा, उसके बाद में उसमें पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, फिर ताम्रपाषाण काल, ठीक है ना। ये पीरियड को जो है आप इसको ऑर्डर वाइज अगर एक के बाद में एक रखेंगे तो एवरीथिंग विल बी क्लियर वेरी एफिशिएंटली। क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं कि इस समय का जो मानव था, इस समय की जो संस्कृति थी, इस संस्कृति में कौन कौन से अनाज ताम्रपाषाण का, ठीक है ना, कहा चालकोलिथिक पीरियड में कौन कौन से अनाज यहाँ पर उस समय के मानव उगाया, ठीक है ना, यहां तक पॉइंट हो गया। तो यहां पर हम अनाज की बात करें, हेडिंग बना रहा हूं मैं, सॉरी, अनाज ग्रेन, उस समय के जो मानव थे वो अनाज कौन कौन से उगाया करते थे, ये आपको यहाँ पर नोट कर लेना है एक एक पॉइंट, ठीक है ना। तो इस समय के जो मानव थे वो मानव अनाज में
गेहूं, गेहूं से परिचित हो गए। किससे? गेहूं, गेहूं और गेहूं के साथ साथ में यहां पर चावल, गेहूं भी उगाने लगे थे और चावल भी उगाने लगे थे। गेहूं और चावल ये दो अनाज यहां पर उगाने लगे थे, और साथ ही साथ में एक और अनाज जो था बाजरा। गेहूं, चावल और बाजरा ये अनाज यहां पर उगाने लगे थे, ठीक है ना। ये अनाज थे। अच्छा, अनाज के बाद में यहां पर अगर दालों की बात करें, जिसको कि दलहन कहा जाता है, दालें, कौन कौन से दालों से वो परिचित हो गए थे, तो यहाँ पे दाल भी नोट कीजिएगा, क्योंकि इसके भी एविडेंस कई भारत के क्षेत्रों में इसके एविडेंस प्राप्त हुए हैं, इसके साक्ष्य हमें खुदाई के दौरान मिले हैं। तो वो थी अपनी पहली मसूर। मसूर, मसूर के साथ में उड़द, उड़द और उड़द के साथ में मूंग, ठीक है। ताम्र पाषाण काल के जो लोग थे वो पशुपालन किया करते थे, कृषि किया करते थे, और कृषि में जो अनाज उन्होंने वो उगाते थे वो थे गेहूं, चावल और बाजरा। और अगर दालों की बात की जाए तो दाल जो थी वो कौन सी थी? वो थी मसूर, उड़द और, ठीक है ना, ये सारी फसलें वो उगाया करते। क्लियर हो गया। अब हम पशुपालन के ऊपर चलें, तो पशुपालन में कौन कौन से पशु थे जो उस समय में के लोग पशु पाला करते? पशुओं की बात करें, पशु वो भी नोट कीजिएगा, पशु कौन कौन से थे ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उस समय के जो लोग थे वो भेड़, बकरी, गाय, भैंस और सुअर। क्या? भेड़, बकरी, गाय, भैंस और सुअर पाला करते थे। नोट कीजिएगा, भेड़, बकरी, गाय, भैंस, भैंस, ठीक है, नोट कीजिएगा, भैंस और सुअर, सुअर पाला करते थे। तो यहां पर पशुपालन भी मैंने आपको बता दिया। अगर हम, क्योंकि देखिए पुरापाषाण काल जो प्री हिस्टोरिक एरा है, ठीक है ना, प्री हिस्टोरिक एरा से ही उस समय का मानव क्या था? सबसे पहले आखिरी तक बना शिकार करता था, जानवरों को मारकर वो भोजन के रूप में स्वीकार करता था, भोजन करता था। तो शिकारी तो मानव शुरू से ही रहा है, तो क्या करते थे? ये शिकार भी किया करते। अगर शिकार की बात की जाए तो मैं हेडिंग बनाते जा रहा हूँ, बिल्कुल हेडिंग के साथ में नोट कीजिएगा। वो शिकार किस चीज का करते थे? वो शिकार करते थे हिरण का। क्या करते थे? हिरण हिरण का शिकार करते थे, हिरण का शिकार करते। पॉलिटिक पीरियड, बिल्कुल नोट कीजिएगा, हेडिंग वही है इसकी। पॉलिटिक पीरियड में जो शिकार किया करते थे वो हिरण का शिकार करते थे। और इस समय के लोग क्या थे? ऊंट से परिचित हो गए थे, यानी कि ऊंट भी उनके जीवन में आ गया था, ऊंट के बारे में उनको जानकारी मिल गई थी। इतना ज्यादा उपयोग नहीं होता था, इतना ज्यादा वो इसका यूज, इसको उपयोग चलाया मान नहीं आया था उस समय की युग एज में, जो कि था चालकोलिथिक, इसको बोलते हैं ताम्रपाषाण युग। तो क्या थे उस समय के लोग? क्या थे? ऊंट से। अगला पॉइंट है, हेडिंग बना रहा हूं, ठीक है ना, उस समय के लोग, उस समय यानी कि ताम्रपाषाण, ताम्रपाषाण युग के लोग, ठीक है ना, मानव या फिर लोग बोल सकते हैं, लोग ऊंट से परिचित हो गए थे। गया, ऊंट से परिचित हो गए थे। लेकिन एक बात यहां पर यह है कि इसके साक्ष्य भी मिले हैं कई जगह, कई जगह इसके साथ मिले हैं, खुदाई के दौरान ऊंटों के अवशेष पाए गए हैं, खुदाई के दौरान।
खुदाई के दौरान ऊंटों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऊंटों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, उससे ये जानकारी मिलती है कि उस समय का जो मानव था, ताम्रपाषाण युग का जो जो मानव था वो ऊंटों से परिचित हो गया था, शिकार में वो हिरण का शिकार किया करते। क्लियर हो गया। और अगला पॉइंट जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस समय का जो मानव था, इस समय के लोग घोड़ों से परिचित नहीं थे। घोड़े नहीं जानते थे वो, घोड़े इस समय उन्होंने इसका उपयोग नहीं किया था, घोड़ों से परिचित नहीं थे। ताम्रपाषाण के लोग घोड़ों से परिचित नहीं थे, ऊंट से परिचित हो चुके थे, हिरण का शिकार करते थे, गाय भैंस सुअर और बकरी, ठीक है ना, इनका ही पशुपालन किया करते थे। साथ ही साथ में कुत्तों से भी परिचित हो गए थे, ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा, ठीक है ना। मीसोलिथिक की एज आते आते ये कुत्ते भी यहाँ पर मिलते थे, कुत्तों का भी यहाँ पे कई जगह पे एविडेंस मिले हैं। खुदाई के दौरान जो कब्र मिली है उन कब्रों में, ठीक है ना, उस समय के मानव के साथ साथ कुत्तों को भी दफनाए हुए पाया गया, कुत्ते की भी कब्र उसके पास में मिली है, कुत्ते भी साथ में मिले हैं। तो कुत्ते भी वो पालते थे, कुत्तों का भी पालन करते थे, कुत्ते हो सकता है उनके साथ में शिकार के साथ में चलते थे, शिकारी कुत्ते बनाते थे वो और अपने साथ में वो रखते थे। ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। इस संस्कृति के लोग घोड़े से परिचित नहीं। अगर हम ताम्रपाषाण युग के लोग की बात करें तो इस समय के युग क्या थे, क्योंकि देखिए नवपाषाण काल आते आते, नियोलिथिक एज आते आते, उस समय का जो मानव था वो क्या क्या करने लगा था, वो खेती करने लगा था, कृषि करने लगा था, और कृषि करते करते वो एक जगह स्थिर हो गया था, एक जगह रुककर वो रहने लगा था, जो कि नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के बाद में फिर चालकोलिथिक एज आया, तो वो जो टेंडेंसी थी वो टेंडेंसी आगे स्वाभाविक रूप से बढ़नी थी। तो यहाँ पर कहते इस समय के लोग भी क्या ग्रुपिंग में समुदाय बनाकर रहते थे, और इस समय गांव, ठीक है ना, समुदाय बनाकर गांव चलन में आ गए थे, विलेजेस, ठीक है ना, विलेजेस में रहने लगे थे। और भारत के जो विशाल भूभाग था, ठीक है ना, बहुत बड़ा भाग था, उसमें ये फैल गए। पहले छोटे सी जगह में थे जो कि पश्चिमी भारत की जगह पे थे, धीमे धीमे करके जैसे ही ताम्रपाषाण युग आया और जो तांबा उनको जहां जहां पे मिला उस भूभाग में वो फैल गए थे, ठीक है ना। तो क्या थे इस समय के लोग, क्या थे, समुदाय बनाकर ग्रुप में समुदाय बनाकर गांवों में देश के विभिन्न भूभाग में फैल गए थे, देश के विशाल भूभाग में, विशाल पूछ सकते हैं हम, विशाल भूभाग मैं फैल गए थे। क्लियर हो गया। ताम्रपाषाण के लोग समुदाय बनाकर रहने लगे थे, ग्रुप में रहने लगे थे और गांव में फैल गए थे, और गांव से साथ साथ में देश का जो विशाल भूभाग था वहां पर ये पूरी तरीके से फैल गए थे। यहाँ यहाँ पे उनको ये सारी चीजें मिलनी आसान हो गई थी, वहां वहां पे जाकर ये स्थिर हो गए थे, ठीक है ना। और यहाँ पर भी उनको पानी मिला, ध्यान रखिएगा, पानी जो कि जल ही जीवन है, जल की आवश्यकता थी, पानी के आसपास का क्षेत्र ही था वो, ठीक है ना। यहाँ पे पहाड़ भी थी, जमीन भी थी और नदियां भी थी, पहाड़ भी थी, जमीन भी थी और नदियां थी, उनके आजू बाजू के क्षेत्र में ही ये गांव बनाकर देश के विशाल भूभाग में रहने लगे थे, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए रहने तो लगे थे, लेकिन रहने की जो स्थिति थी, किस तरीके से रहते थे ये, ठीक है ना, कैसे इनके घर थे, उन घरों का किस तरीके का ढांचा था, कैसा स्ट्रक्चर था, ये भी जानना जरूरी है।
अगला पॉइंट नोट कीजिएगा, इस समय का जो मानव था वो मानव यहां पर जो कि चालकोलिथिक पीरियड का मानव था, ये पक्की ईंटों से परिचित नहीं था। पक्की जो ईंट थी यानी कि जो पूरी तरीके से पकी हुई, उसको ब्रिक्स बोला जाता है इंग्लिश में, पक्की ईंटों से परिचित नहीं था। नोट कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है यहां पर, इस समय का मानव पक्की ईंटों से परिचित नहीं था, ये कच्ची ईंटों का ही प्रयोग करता था, यानी कि ये जो उस समय की सांचे में जो भी सांचा बनाया होगा, उस समय का जो डाया होगा, उस डाये में सुखाकर वो एक ब्लॉक बनाता था, और ब्लॉक बनाकर उसको पकाया नहीं करता था, वो जानते नहीं था ये टेक्नोलॉजी। तो उस समय का मानव पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं करते थे, और कच्ची ईंटों से वो अपने निवास, अपने घरों को बनाया करता था। क्लियर हो गया, पक्की ईंटों से ये परिचित नहीं थे। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। अब चालकोलिथिक पीरियड के दौरान में जो उस समय का मानव था उसकी जो रहने की स्थिति थी, वो किस तरीके की वस्त्र, किस तरीके की क्लोथ वो अपने ऊपर धारण करता था, ये भी जानना जरूरी है। यानी कि उस समय का मानव, ठीक है ना, शिकार करने के साथ साथ वो, क्योंकि उस समय कॉटन, कपास का उपयोग भी करना सीख गया था, क्योंकि सबसे पहला जो साक्ष्य मिला है वो कपास का भी मिला है। ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा, इससे पहले पॉइंट में हमने आपको बताया है कपास के भी साक्ष्य जो मिले हैं वो भारत में सबसे पहले कपास के साक्ष्य मिले थे, तो कपास का उपयोग भी करने लगा था, यानी कि वो वस्त्र निर्माण में, अपने कपड़ों के निर्माण में कपास का उपयोग करता था। और उस समय का मानव चालकोलिथिक पीरियड का मानव क्या था, चालकोलिथिक पीरियड का मानव वस्त्र निर्माण भी करने लगा, तो क्या करने लगा था, वस्त्र निर्माण करना जानता, वस्त्र निर्माण करना जानता। वस्त्र निर्माण करना, ठीक है ना, और साथ ही साथ में वो क्या करता था, वस्त्र निर्माण भी करता था, और मिट्टी के खिलौने वो वह मूर्तियां भी यहाँ पर बनाना जानता था। उस समय के कारीगर वो भी, उस समय के कारीगर ये भी करते थे, ये भी कारीगर थे वहां पर, जो कि मिट्टी के खिलौने बनाते थे और मूर्तियां, मिट्टी के खिलौने और मूर्तियां। मूर्तियां भी बनाई जाती थी, मूर्तियां जो कि टेराकोटा, एक प्रकार की एक मिट्टी होती थी, टेराकोटा के कारीगर, टेराकोटा ही बनाई जाती थी। मिट्टी, क्लियर हो गया। शिकार तो किया ही करता था, हाथी भी उस समय थे, हाथी से भी परिचित था, हाथी भी थे, बैल भी थे, गाय भी थी, भैंस भी थी, बकरियां भी थी, तो ये सब तो थे, अन्य जानवर भी वहां पर हुआ करते थे, ठीक है। तो कृषि भी करता था, कृषि के साथ में मिट्टी का भी उपयोग करने लगा था, धातु का भी प्रयोग करने लगा था। हाथी दांत का भी शिल्पकार था, हाथी दांत भी के उससे भी शिल्पकारी करता था, उसके भी कई साक्ष्य मिले हैं। और साथ ही साथ में उस समय का मानव चूने से भी परिचित हो गया, किससे, चूना, चूने से भी परिचित हो गया। चूने से भी ये परिचित हो गया। क्लियर है यहां तक, ये पॉइंट जो मैंने आपको बताया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट से इतना इंपॉर्टेंट है कि इस पर क्वेश्चंस, बिल्कुल अगर आप ऐसे क्वेश्चंस
जो कि एग्जाम में आते हैं उसमें ये पॉइंट्स हैं, तो ये पॉइंट्स सारे के सारे इम्पोर्टेंट आपके लिए साबित होने वाले हैं। और साथ ही साथ में मेरी इस ये क्लासेस आपको ऐप के माध्यम से भी मिल जाएंगी, जिसमें कि मैं आपको कंप्लीट अध्ययन कराता हूँ। वो भी वो है अभियान एकेडमी ऐप, उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल पर, जिसमें कि मैं लाइव क्लास और साथ में रिकॉर्डेड क्लासेस कंप्लीट कराता हूँ। आईएएस और आईपीएस की तैयारी यहाँ पर आपको कंप्लीट मिलती है मिनिमम कॉस्ट में, और साथ में पीडीएफ नोट्स भी मिलते हैं। तो इस ऐप को भी आप इंस्टॉल कर दीजिए, जिसमें कि आप पूरा कंप्लीट स्टडी कर पाएंगे अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस और आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं। अभियान एकेडमी, ठीक है ना, नया ऐप है। तो नया ऐप आप यहाँ पर कोई परेशानी हो तो आपको सामने यहाँ पर मोबाइल नंबर, यहाँ पे कि आप ज्यादा जानकारी ले सकते हैं, कॉल करके आप पूरी इंफॉर्मेशन, ये जानकारी मैं आपको बीच में ये बताना चाहता हूँ कि आप अगर कंप्लीट तैयारी मिनिमम कॉस्ट में करना चाहते हैं तो ऐप पर आइए। ऐप पर मैं आपको पूरी यहाँ पर कंप्लीट प्रिपरेशन करवाऊंगा, आईएएस और आईपीएस की पूरा कंटेंट यहाँ पर आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, तो कहाँ पे थे हम? भारत में जो ताम्र का पाषाण की जो संस्कृति की जो उस समय की जो गांव थे, गांव में रहने वाली जो बस्तियां हैं, ठीक है ना, वो बस्तियां यहाँ पर कई खुदाई के दौरान प्राप्त हुई हैं, ठीक है ना, जो कि यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि भारत में ताम्र पाषाण संस्कृति हड़प्पन जो कांस्य संस्कृति थी उसकी समकालीन ही थी। यानी कि ताम्र पाषाण संस्कृति का जो सबसे ज्यादा व्यापक उपयोग हुआ वो कांस्य संस्कृति के बाद हुआ, यानी कि कांस्य से पहले परिचित हुआ, कांस्य के बाद में हड़प्पन सिविलाइजेशन में तांबे का उपयोग सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। खुदाई के दौरान जो हड़प्पा की जो खुदाई हुई है, हड़प्पा सिविलाइजेशन इसको कहा गया है, उस समय तांबे का उपयोग सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कई बस्तियों बस्ती कई कई जो ऐसे गांव हैं, कई ऐसी बस्तियां हैं जहां पर अगर हम डेट वाइज देखा जाए तो कुछ जो बस्तियां हैं वो हड़प्पाई सिविलाइजेशन की यहाँ पर देखने को मिलती है। ये पॉइंट भी आप नोट कीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ में यहाँ पर जो उस समय की मिट्टी के बर्तन है, ठीक है ना, जो कि ताम्रपाषाण काल के अधिकतर जो मिट्टी के बर्तन है, ठीक है ना, उनका जो रंग था, ठीक है ना, वो रंग भी नोट कीजिएगा क्योंकि ये पॉइंट भी पूछा जाता है, ठीक है ना। ताम्रपाषाण अगला पॉइंट मैं लिख रहा हूं, बिल्कुल नोट कीजिएगा, ताम्रपाषाण काल की मिट्टी के बर्तन, या फिर इनको मृद भांड भी बोला जाता है, बोला जाता है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, मृद भांड या फिर मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, इनका जो रंग था, ताम्रपाषाण काल के मृद भांड जो रंग था वो रंग लाल और काला था। क्या था रंग? लाल और काला, लाल और काले रंग के बर्तन यहां पर अधिकतर जो खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं ताम्रपाषाण काल के, तो उनके मिट्टी के बर्तन मृद भांड लाल और काले रंग के यहां पर पाए गए हैं, ठीक है ना, जो कि किससे? चाक, चाक जो होती थी, चाक मिट्टी इसको बोलते हैं, चाक मिट्टी, और कभी कभार सफेद रंग की यहाँ पर आकृति मिलती थी जो कि एक प्रकार से लाइनिंग बनी हुई हुआ करती थी सफेद रंग की, ठीक है ना, जो कि चाक चाक से पके हुए होते हुए चाक और सफेद रंग की रेखीय आकृति, लाइनिंग वाली रेखिक आकृति बर्तनों में देखने को मिलती है। उस समय के जो बर्तन थे,
हम उस समय की पूजा की संस्कृति देखी जाए, धार्मिक संस्कृति की बात करें, तो धार्मिक संस्कृति जो थी, ठीक है ना, इसको भी आपको नोट कर लेना है, क्योंकि धार्मिक संस्कृति पे कई बार उस समय की जो पूजा पाठ थी, इसके क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम धार्मिक संस्कृति की बात करें, धार्मिक पंथ या फिर धार्मिक संस्कृति, धार्मिक संस्कृति में यहाँ पर सांड, बैल जिसको बोला जाता है, सांड का वो प्रतीक के रूप में माना गया, जिसको कि वृषभ भी कई जगह पर लिखा हुआ हमें पाया हुआ है, वृषभ या फिर सांड, सांड को प्रतीक के रूप में माना जाता है, ठीक है ना। सांड एक प्रतीक के रूप में था, एक प्रतीक था जिसकी पूजा की जाती थी धार्मिक पंथ के रूप में, जिसकी सांड की पूजा की जाती थी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ एविडेंस जो भारत में कहां कहां पर मिले हैं, ये भी आपको नोट करना जरूरी है, एक एक करके मैं वो सारे पॉइंट यहां पर आपको बताने वाला हूं। भारत में जो ताम्र पाषाण युगीन बस्तियां हैं वो कहां कहां पर प्राप्त हुई, नोट कीजिएगा। भारत में ताम्र पाषाण बस्तियां, ठीक है, भारत में ताम्र पाषाण बस्तियां कहाँ कहाँ पर प्राप्त हुई हैं, हर भारत के हर क्षेत्र के बारे में मैं एक एक पॉइंट यहाँ पर आपको पूरा कंप्लीट कराऊंगा, तो इसको पूरा आप नोट कर दीजिएगा अगर आप नोट लेके बैठे हुए हैं तो, ठीक है। पहला पहला चलते हैं अपन दक्षिण पूर्वी राजस्थान, अगर हम दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर उदयपुर और राजसमंद, ये दो जो जिले हैं यहाँ पर इसके बारे में साक्ष्य मिलते हैं, जो कि ताम्रपाषाण युगीन बस्तियां यहाँ पर मिली हैं। अगर उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में आहाट, आहाट उदयपुर, इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये तो पहला हो गया, दूसरा इसमें राजसमंद के किलुंद, किलुंद राजसमंद, राजसमंद राजस्थान, तो ये थे दक्षिण पूर्वी राजस्थान के दो जिले यहां पे कि ताम्र पाषाण युगीन बस्तियां यहां पर प्राप्त हुई हैं, जो कि है आहार जो कि उदयपुर में है, और गिलिंद जो कि राजसमंद। क्लियर हो गया। अगला जो स्टेट है यहाँ पे कि ये बस्तियां प्राप्त हुई है, उसको भी आप नोट कीजिएगा, वो है अपना पश्चिमी महाराष्ट्र, वेस्टर्न वेस्ट महाराष्ट्र, ठीक है ना, पश्चिमी महाराष्ट्र। पश्चिमी महाराष्ट्र में जो बस्तियां प्राप्त हुई हैं वो बिल्कुल याद कर लीजिएगा, अहमदनगर, अहमदनगर के काफी जगह क्षेत्र है यहाँ पे कि इसकी बस्तियां जो कि चालकोलिथिक पीरियड की बस्तियां यहाँ पर खुदाई के दौरान मिली हैं अहमदनगर में, अहमदनगर की चार बस्तियां यहाँ पर आपको लिख पाने वाला हूं, जोखे नेवासा, जोखे नेवासा, सोनगांव और दैमाबाद,
चार बस्तियां थी, इन चार बस्तियों में यहाँ पर महाराष्ट्र के अहमदनगर में ये साक्ष मिलते हैं, यहाँ पर ताम्रपाषाण युगीन बस्तियां मिलती हैं। इसके अलावा कोल्हापुर, अगला पॉइंट, कोल्हापुर, अगर हम कोल्हापुर की बात करें तो कोल्हापुर में चंदोली, कहां पर, चंदोली और इनाम गांव, चंदोली और इनाम गांव में, यहां पर कैल्कोलिथिक पीरियड की बस्तियां यहां पर प्राप्त होती हैं, और ये सबसे बड़ी बस्तियां जो प्राप्त हुई है। एक अगला पॉइंट वो है इनाम गांव, जो कि अलग है, ध्यान रखिएगा, ये जो है ये पुणे में है, महाराष्ट्र के पुणे में प्राप्त हुई है, पुणे में सबसे बड़ी बस्ती। ये क्वेश्चन अगर बने तो बिल्कुल नोट कीजिएगा, सबसे बड़ी बस्ती कहां पर प्राप्त हुई है, सबसे बड़ी बस्ती जो प्राप्त हुई वो पुणे के इनाम गांव में, सबसे बड़ी बस्ती ताम्रपाषाण युगीन की बस्ती यहाँ पर प्राप्त हुई है, मिली है खुदाई यहाँ पर उत्खनन के द्वारा। अब हम आगे यहाँ पर अगला पॉइंट नोट कीजिएगा, ठीक है, वो है अपना तीसरा, ताम्रपाषाण युगीन की बस्ती जो कि है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के पश्चिमी मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है वहां पर यहाँ ये प्राप्त हुई है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है उसका मालवा, मालवा रीजन का, ठीक है ना, मालवा रीजन का ये क्षेत्र है जिसमें कि ये सारी बस्तियां प्राप्त हुई हैं। मालवा रीजन का कायथा, नावदा टोली, एरन, ये जो क्षेत्र है यहां पर ताम्रपाषाण युगीन बस्ती प्राप्त हो, तो ये जो तीन भारत के ताम्रपाषाण युगीन की बड़ी बस्तियां यहां पे जानकारी मिली वो कौन कौन सी थी, एक बार फिर से अपन यहां पर डिवीजन कर लेते हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान का आहार जो कि उदयपुर में है, कुलिंद जो कि राजसमंद में है, पश्चिमी महाराष्ट्र की बात करें तो अहमदनगर की जोखे, नेवासा, सोनगांव और नेमाबाद, अगर हम और कोल्हापुर का चंदोली, और पुणे में सबसे बड़ी बस्ती प्राप्त हुई जो कि इनाम गांव में प्राप्त। इसी तरीके से मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी मध्य प्रदेश जो कि मालवा रीजन में आता है, मालवा रीजन का कायथा, नावदा टोली और एरन, यहां पर ताम्रपाषाण युगीन बस्तियां प्राप्त है। तो ये जो पॉइंट्स थे ये जो कि मैंने चालकोलिथिक पीरियड के आपको बताए, ये पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक करके मैंने आपको यहाँ पर पूरी जानकारी यहाँ पर आपके सामने ये पूरी रखी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप पूरी उसी तरीके से कंप्लीट कीजिएगा, और एक एक पॉइंट्स जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं मैंने यहाँ पर कवर किए हैं। कंप्लीट लेसन प्लान आपको अभियान एकेडमी की ऐप पर मिलेगा, जिसपे कि आप ऐप को इंस्टॉल करके सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ पे कि मैं आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाऊंगा आईएएस और आईपीएस की, तो प्ले स्टोर से जाकर इसको इंस्टॉल कीजिए, और इंस्टॉल करने के बाद में आप कोई भी इंक्वायरी है तो डायरेक्टली मोबाइल नंबर वहां पर आपको दिख रहा है वहां पे कॉल करके आप डायरेक्टली आप मुझको संपर्क कर सकते हैं, और साथ ही साथ में व्हाट्सएप के माध्यम से आप कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।